बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके पास आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल टिप लेकर। ऑफिस 365 में अनफॉर्चुनेटली एमएस वर्ड के अंदर, यानी जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अब आई ड्रॉपर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी किसी भी पिक्चर में से कोई भी अपना फेवरेट कलर या जो भी आपकी थीम के साथ रिक्वायरमेंट है उसको कॉपी नहीं कर सकते किसी भी खास शेप में। इसका एक बहुत आसान सा हल है, आप जिस पिक्चर में से कोई भी पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट करना चाह रही हैं उसे मुंतखब करें, कॉपी करें और पावर पॉइंट में आकर आप उसे पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद किसी भी रैंडम शेप में आप आई ड्रॉपर की मदद से, जो कि आपको यहाँ पर मेन रिबन पर शेप फॉर्मेट के टैब में शेप फिल के अंदर मिल जाएगा, आप यहाँ पर आकर आई ड्रॉपर की मदद से वो कलर मुंतखब कर सकते हैं। लेट सपोज कि हम ये कलर मुंतखब करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसी टैब में रहते हुए दोबारा से शेप फिल पे जाइए और इसमें मोर फिल कलर्स की ऑप्शन को मुंतखब करें। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस कलर की कॉम्पोजिशन आपके पास मौजूद है, जिसे RGB कहा जाता है, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन, जो कि बेसिक कलर्स हैं। इसके बाद इसमें इसका हेक्स नंबर भी अवेलेबल है। आप सिंपल इसको यहां से कॉपी कीजिए, वापस अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे आइए, उस शेप को मुंतखब करें जिसमें आप ये कलर ऐड करना चाहते हैं। ऊपर मेन रिबन पर शेप फॉर्मेट में आप जाएंगे, दोबारा से शेप फिल में जाएंगे, दोबारा मोर फिल कलर्स में आएंगे और यहाँ पर आकर उस हैक्स नंबर को पेस्ट कर देंगे जो कि अभी आपने पावर पॉइंट से कॉपी किया था। उसके बाद इसे ओके कर दीजिए और देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका डिजायर्ड कलर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ गया। एज सिंपल एज दैट। सो गाइज, दैट वॉज इट। आई होप दैट दिस टिप वाज यूजफुल फॉर यू एंड आई विल कीप कमिंग बैक विद मोर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। हैव अ बेस्ट।